जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप? आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। रोज इस विशेष तरीके से जलाए कपूर बढ़ेगी सुख समृद्धि, असर दिखेगा तुरंत। आइए जानते हैं इसके बारे में। आज मैं बताऊंगी कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आपको रोज शाम को करनी चाहिए, जिससे आपके घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा और सुख समृद्धि से भरा हुआ होने लगता है। पूजा पाठ तो हर कोई करते हैं, लेकिन पूजा पाठ के साथ साथ अगर आप इन उपायों को करते हैं, इन चीजों को करते हैं, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि निश्चित ही बढ़ने लगती है। यही कारण है कि आपने कई बार देखा होगा कि मंदिर में कपूर का प्रयोग निश्चित ही रोज किया जाता है। हर पूजा पाठ हर आरती में किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही लाभदायक और नकारात्मक शक्तियों को मिटाने वाला होता है। इससे आपके आसपास के वातावरण खुशनुमा और सुख समृद्धि से भरा हुआ होने लगता है। इसका प्रयोग आपको किस प्रकार करना है, आइए मैं आपको बताती हूँ। आपने काफ़ी बार ऐसा देखा होगा कि मंदिर में जब भी आरतियाँ होती है तो उसमें कपूर का इस्तेमाल निश्चित तौर पर होता है, क्योंकि इसे जलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और ये सुख समृद्धि दिलाने वाला भी होता है। वहीं भृगु संहिता के अनुसार अगर आप कपूर का इस्तेमाल अपने पूजा पाठ में करते हैं तो इससे आपके जीवन में देव दोष और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। जीवन में सफलताएं मिलना देव दोष और पितृ दोष से कम हो जाता है। आपके कार्य में जितने भी बाधाएं आती हैं वो पितृ दोष से ज़्यादा होने लगती है। तो दोस्तों, जब भी आप पूजा कर रहे हो तो आपको अपने पूजा मंदिर में किसी भी बर्तन में घी डालकर उसमें कपूर को डुबाकर जरूर रखना चाहिए। और आप जब भी पूजा करते हैं तो पूजा करने के तुरंत बाद उस देसी घी में डूबा हुआ कपूर निकाल कर जला देना चाहिए। ऐसा करने से पूजा करने का पूर्ण फल मिलता है और घर का वातावरण भी सुखद होता है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो जाती हैं और लक्ष्मी माता का वास घर में होता है। अगर निश्चित आप रोज ऐसा घर में करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी का वास घर में होता है। इससे घर में शांति बनी रहती है और बुरे सपने भी नहीं आते हैं। सूरज ढलने के बाद आपको ऐसा जरूर करना चाहिए। अगर आप पूजन नहीं करते हैं फिर भी अगर आप कपूर जलाते हैं इसी प्रकार जिस प्रकार मैंने आपको बताया है, तो इससे भी घर के वातावरण में सुख शांति बनी रहती है। ठीक इसी तरह काफ़ी कम लोग जानते हैं, लेकिन अगर आपके घर में कहीं भी वास्तु दोष होता है तो आपको उसी कोने में जहाँ पर वास्तु दोष होता है वहाँ पर रोज एक कपूर जलानी चाहिए। ऐसा करने से वास्तु दोष से होने वाले बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। रोज शाम को अगर आप इस प्रकार ये विधि करते हैं तो निश्चित ही आपके घर से ग्रह और कलेश दूर हो जाते हैं। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा गृह कलेश होता है और घर में आपसी लोगों में बिल्कुल भी नहीं प्यार है, तो इस उपाय को जरूर शाम को करें। इससे आपका मन काफ़ी शांत रहने लगेगा और आप हर चीज़ों की तरफ ध्यान देने लगेंगे और आपकी तरफ अच्छी चीज़ें आकर्षित होंगी। आपका घर सुख समृद्धि से बढ़ा रहेगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे। जय माता दी।